जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग हो गया आप सबको और वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ ट्रैवल विद जिलानी। तो आज सुबह मैं जल्दी उठकर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अपनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ लफ्टे। मेरा काम है, जाहिर आपको पता है, रिसर्च का। तो मैंने प्रोफेसर से मीटिंग करनी है, उस सिलसिले में मैं जा रहा हूँ। तो आपको भी यूनिवर्सिटी घुमाऊंगा और जो जो इस ब्लॉग में मैं आपके लिए इन्फो ऐड कर सका वो करूँगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बस मिलते हैं आपसे, तब तक आप ये थोड़ा बहुत सीन एंजॉय कर लें। खैरियत से हम पहुंच चुके हैं लफ्टे और यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है। ये है लफ्टे यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाला रोड। आज सारा यहाँ पर खाली खाली पड़ा है क्योंकि स्टूडेंट्स जा चुके हैं, छुट्टियां हैं। तो यहाँ पर हर किस्म की शॉप्स हैं, स्टूडेंट्स यहाँ से जो चीज चाहे खरीद सकते हैं, कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर, घर से लेकर, चीनी से लेकर, जो जो छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज है वो सब लफ्टे में अवेलेबल है। तो माशाल्लाह एक ही खूबसूरत टाउन है और स्टूडेंट टाउन है। देखें अभी एक मार्केट आई, ये एक रेस्टोरेंट आ रहा है आगे। तो यहाँ काफी रौनक रहती है, पर क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक है तो स्टूडेंट्स सारे छुट्टी करके गए हैं। खास तौर पे टर्की स्टूडेंट्स सारे टर्की में हैं इस टाइम। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं या फिर कुछ टर्की स्टूडेंट्स जो नहीं जाना चाहते या जो ऑलरेडी सिप्रियोट हैं वो नहीं गए। हाँ तो यार मैं यूनिवर्सिटी आ गया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो मैं गया इधर स्टूडेंट अफेयर सेंटर पे और अपना काम कराया मैंने। ये एक तो ये स्टिकर लगता है हमारे कार्ड के पीछे, आपको पहले भी मैंने किसी वीडियो में बताया था। तो ये स्टिकर मैंने लगवा लिया है अपने फॉल सेमेस्टर के लिए और साथ में ये मेरा स्टूडेंट सर्टिफिकेट भी मैंने बनवा लिया है। तो अभी प्रोफेसर से मिलना है, अब पता नहीं मैं उसका क्या करूँ, कहीं वो बिज़ी ना हो, तो देखता हूँ मैं क्या सीन है। बाकी अब यूनिवर्सिटी घुमाता हूँ, थोड़ा सब्र रखो यार, क्या टेंशन है, घुमाऊँगा। वैसे तो आपने बहुत बार देखी है, पर इस बार भी आपको थोड़ा सा व्यू दूंगा। हाँ जी, तो दोस्तों भाइयों बहनों, मैं आपको अभी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, काम मेरा हो गया, ठीक है। तो ये सामने है जी, ये यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, ठीक है। और ये यहाँ पर वाइटमैन कैफे बना हुआ है और साथ ही उसके ये जो है ये लाइब्रेरी है, ठीक है। और मैं इस टाइम पार्किंग में हूँ, जनरल पार्किंग है ये मस्जिद के लिए। और अभी आप देखें यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ये ग्लोरिया जीन्स बना हुआ है, ठीक है। और ये है जी लॉ फैकल्टी और ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है हमारी यूनिवर्सिटी की। इस तरफ आगे कुछ नहीं है, ठीक है, लास्ट बिल्डिंग इस तरफ को यही है लॉ फैकल्टी। तुर्किश में उसे कहते हैं हुकूक फकुलतेसी, ठीक है। और अब ये है जी मेडिसिन फैकल्टी, यहाँ पर MBBS वगैरह के लिए, और इसको तुर्किश में कहते हैं टिप फकुलतेसी। और इसी के अंदर जो है हमारा पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये स्टूडेंट अफेयर सेंटर और तुर्किश बैंक, ठीक है, आप यहाँ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और ये एंट्रेंस हो गई, ठीक है। अभी यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, इस तरफ को बाद में जाएंगे, यहाँ पर और चीज़ें मैं दिखाऊँगा आपको। और ये आगे जी यहाँ ये इसको कहते हैं औरता कैफे। और उसके अलावा जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है जनाब यहाँ इकोनॉमिक्स, बिजनेस और इस सब चीज़ों की। तो ये सब भी हो गया। और ये है जी हमारा बस स्टॉप, यहाँ पर हम खड़े होके बस लेते हैं। आपने हमारी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो ये सामने जो है ये सामने इधर ये है नर्सिंग फैकल्टी, ठीक है। और आगे ये जो है ये लिखा हुआ है सामने जो दिश हेमलिंगी, यानी ये है आपकी आपका अल्लाह भला करे, ये है डेंटिस्ट्री की फैकल्टी, ठीक है। ये सारा अंदर इस तरह
डेंटिस्ट्री फैकल्टी और फार्मेसी फैकल्टी और नर्सिंग फैकल्टी ये सब इधर बनी हुई है। ठीक है, ये बिल्डिंग यूनिवर्सिटी से बाहर है, ये एक दनीज अपार्टमेंट्स है, इसका गेट दूसरी तरफ से है, बट ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और आगे जाके देखें कैसे खूबसूरत बना हुआ है। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी का सॉकर ग्राउंड है और साथ में उसके वो भी सॉकर ग्राउंड है। ठीक है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके अंदर नीचे जिम भी बना हुआ है, अंदर बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बड़ा खूबसूरत सा बास्केटबॉल कोर्ट है, वो भी किसी दिन आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ से जा रहे हैं इधर, यहाँ पर भी बस स्टॉप है। ये सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग है, तो ये है जी टर्किश लड़कियों के लिए, टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ तुर्की की तरफ से ये डॉम है जिसमें वो रहती हैं और पे करती हैं मंथली कोई 660 लीरा। तो टर्किश गवर्नमेंट ने उनके सिटीजन्स के लिए बहुत फ़ायदा किया हुआ है, चाहे लड़कियां हों या लड़के, जो भी यहाँ रहना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं और उनको इजाज़त मिल जाती है, तो वो यहाँ रहते हैं चीप अमाउंट में, और उनको खाना भी फ्री मिलता है और बिजली का भी कोई बिल नहीं आता। और ये जो है देखें, यहाँ हमारी बस सारी रुकती हैं रात को, और ये बस कंट्रोल का एक ऑफिस बना हुआ है जो ऑटो बस सिस्टम है हमारा उसका। तो जो आपने आपको पहले मैंने यूनिवर्सिटी दिखाई थी मिडिल ईस्टर्न टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसमें जो बसेस का सिस्टम है उसमें वो पे करते हैं पर राउंड वो पे करते हैं 21 लीरास, यानी आपने कलकत्ता से गुजालियर जाना है आप 21 लीरास पे करेंगे, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी फीस नहीं है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जा सकते हैं। मतलब हमारी चार रूट्स पे चलती है, लेफ्ट के यदि दलगा गौर गुजालियर और दोंजी, ये चार रूट्स पे हमारी यूनिवर्सिटी की जो बस चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, उसके यानी सारे चार्जेस आपकी ट्यूशन फीस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये हो गया, इस रास्ते पे कुछ नहीं है आगे, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मैंने आपको दिखा दिया है। यूनिवर्सिटी में एक स्विमिंग पूल होना चाहिए था पर वो नहीं है हमारे पास, तो अभी बस ये वही रास्ता मैं वापस लेके जा रहा हूँ, अब आपको मैं दूसरी साइड पे लेकर जाऊंगा। खूबसूरत तो है हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह, लेफ्ट के भी खुद में एक खूबसूरती रखता है। मैं आपको बताया इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की सारी फैकल्टी इधर है। वापस आ गए हम उधर एंट्रेंस की तरफ, अभी यहाँ से हम लेफ्ट को जाते हैं। ये हमारे फ्लैग्स लगे हुए हैं जिस जिस कंट्री के स्टूडेंट्स, और ये रहा हमारा फ्लैग पाकिस्तान। तो जिस जिस कंट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं उन सब के फ्लैग्स लगे हुए हैं। देखें इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, ये वाला, और सऊदी अरेबिया का भी है और फलस्तीन का भी है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस और जो लाइब्रेरी है वो है, और इधर से नीचे जाकर हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है, और ये हमारे रेक्टर की बिल्डिंग है, यानी जैसे पाकिस्तान में वाइस चांसलर होता है, तो ये है वो बिल्डिंग। तो और ये है मेरा इंस्टीट्यूट, यह है इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट साइंसेस। इसके अंदर जो भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं और जो भी सारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो सब के लिए ये बना हुआ है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का दूसरा गेट है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। तो ये है जी हमारा रऊफ तैंकताश एतिम कॉम्प्लेक्स, ये काफ़ी बड़ा सा आगे अंदर इंस्टीट्यूट बना हुआ, आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, यहाँ पर मैं क्लासेस लेता रहा हूँ। तो बस यही कुछ है हमारी यूनिवर्सिटी, और बस फिर अब मैं
आगे देखता हूँ आज के दिन और क्या करना है। फिलहाल तो वापसी की वैल्यूट चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं किसी और जगह पे।